भोपाल से इमरजेंसी लैंडिंग हुई है, सोनिया और राहुल गांधी की फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। बताया जा रहा है कि तकनीकी खराबी हुई है फ्लाइट में, इसकी वजह से इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। बेंगलुरु में महागठबंधन की बैठक से लौट रहे थे सोनिया और राहुल गांधी, उनकी फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। ये बड़ी खबर है भोपाल से, एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है सोनिया और राहुल गांधी की फ्लाइट की। बताया जा रहा है कि तकनीकी गड़बड़ी आई थी फ्लाइट में और ये वजह रही है। सभी सुरक्षित हैं, ये अच्छी बात है। सोनिया और राहुल गांधी की जो फ्लाइट है उसकी इमरजेंसी लैंडिंग भोपाल एयरपोर्ट पर हुई है। बेंगलुरु से महागठबंधन की बैठक से लौट रहे थे सोनिया गांधी राहुल गांधी और तकनीकी गड़बड़ी आने की वजह से फ्लाइट को लैंड कराया गया है भोपाल एयरपोर्ट पर, इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। हालांकि जो अभी तक जानकारी आ रही है सभी सुरक्षित है, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है, लेकिन इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी है फ्लाइट की। सोनिया गांधी और राहुल गांधी इसी फ्लाइट में सवार थे जिसमें तकनीकी खामी आई और उसके बाद एयरपोर्ट पर, भोपाल एयरपोर्ट पर फ्लाइट की लैंडिंग हुई है। ये बड़ी खबर है सोनिया और राहुल गांधी। बता दें आपको, बेंगलुरु में हुई महागठबंधन की बैठक से लौट रहे थे और इसी बीच फ्लाइट में कुछ तकनीकी गड़बड़ी के आने के चलते फ्लाइट की लैंडिंग कराई गई है। ये जानकारी अभी तक सामने आई है। भोपाल में इमरजेंसी लैंडिंग हुई है सोनिया गांधी और राहुल गांधी की फ्लाइट की। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है भोपाल से, भोपाल एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग हुई है फ्लाइट की और इस फ्लाइट में सोनिया गांधी और राहुल गांधी बैठे हुए थे। हालांकि जो शुरुआती जानकारी आ रही है सभी सुरक्षित हैं। रात 9:30 तो एक बार फिर बता दें आपको कि सोनिया और राहुल गांधी की फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग भोपाल में हुई है और एयरपोर्ट से जो जानकारी आ रही है अभी सभी सुरक्षित हैं, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है, लेकिन तकनीकी खामी इंजन में या किसी और तरह की आई थी जिसके बाद ये इमरजेंसी लैंडिंग भोपाल एयरपोर्ट पर हुई है और इस फ्लाइट में सोनिया और राहुल गांधी सवार थे। अब 9:30 की फ्लाइट से दिल्ली के लिए रवाना होंगे सोनिया गांधी और राहुल गांधी। न्यूज 18 संवाददाता शैलेंद्र सिंह चौहान हमारे साथ जुड़े हैं भोपाल से। शैलेंद्र, क्या जानकारी है, क्या गड़बड़ी थी, क्या तकनीकी खामी थी और अभी किसी तरह की कोई परेशानी तो नहीं? शैलेंद्र, देखिए अभी अभी हमें ताजा जानकारी मिली है कि सोनिया ये प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की जो फ्लाइट है मौसम की खराबी की वजह से अचानक से उसे यहाँ पर लैंड होना करना पड़ा है और उसके बाद ये लोग यहाँ पर करीब 15 मिनट से दोनों ही सीनियर लीडर अभी यहाँ पर जो वीआईपी लॉन्ज है एयरपोर्ट का वहां पर बैठकर इंतजार कर रहे हैं और इसके बाद करीब 9:30 की जो दिल्ली की रूटीन फ्लाइट से ये लोग दिल्ली के लिए रवाना होंगे। जी सोनिया गांधी राहुल गांधी ही इसमें सवार थे या और लोग भी कांग्रेस से जुड़े नेता? शैलेंद्र, जानकारी यही मिली है कि दोनों ही यहां पर मौजूद थे, इसके अलावा अभी ही यहां पर मौजूद थे, इसके अलावा अभी और भी कांग्रेस के नेता भी किसी को भी पता नहीं था और करीब कांग्रेस के भोपाल मध्यप्रदेश के नेता, लेकिन एक बार फिर बता दें आपको सोनिया गांधी और राहुल गांधी अब 9:30 की फ्लाइट से दिल्ली के लिए रवाना होंगे और बेंगलुरु में हुई महागठबंधन की महत्वपूर्ण बैठक में शामिल होने के बाद दिल्ली वापस लौट रहे थे सोनिया गांधी राहुल गांधी और उनकी फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग भोपाल एयरपोर्ट पर हुई है। कोई तकनीकी खामी के चलते, तकनीकी गड़बड़ी के चलते भोपाल एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है और अब 9:30 की फ्लाइट से दिल्ली के लिए रवाना होंगे सोनिया और राहुल गांधी। बेंगलुरु में दरअसल महागठबंधन की बड़ी बैठक हुई, कई जो सियासी दल हैं इस बैठक में शामिल हुए और
डिबेट में हमारे साथ खास मेहमान जुड़े, उनका बहुत धन्यवाद। और बुलेटिन में इतना ही, खबरों